कच्ची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं। और मेरा तो मानना ये है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में महिला तो कमज़ोर है ही नहीं, सशक्तिकरण तो एक बात मुद्दा है उन जगह का जहाँ पर महिलाएं अपने वजूद की लड़ाई लड़ती हैं, जहाँ महिलाओं के विचार एक स्वच्छंद विचारधारा की है। हमारे लिए तो हर दिवस नारी दिवस है, क्योंकि हमारे तो वैदिक काल से ही नारी की कल्पना एक सशक्त रूप में की गई है। नारी शक्ति स्वरूपा है और उसकी शक्ति के बिना शिव भी शव है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शायद इसी बात पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, या उज्ज्वला योजना के माध्यम से, या जनधन, क्योंकि उनको हमें आर्थिक रूप से और हर रूप से सक्षम बनाना है। सरोजिनी नायडू जी ने एक बात कही थी, ये तो आज की बात नहीं, काफ़ी पहले ही कह दिया था कि जो हाथ पालना झुला सकते हैं वो हाथ देश भी चला सकते हैं, बस ज़रूरत है तो उनको सशक्त बनाने की। ये सशक्त बनाना हमारे लिए महिला के वजूद की लड़ाई नहीं है, ये उसको अपॉर्चुनिटी देने की लड़ाई है कि उसको सही प्लेटफॉर्म मिल सके। क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि जहाँ वर्क डिवीजन हो चुका है, परिश्रम का क्षेत्र है तो वो पुरुष देख रहे हैं, और सेवा भाव का अगर है और घर संभालना है तो ये महिलाएं। दिल्ली सरकार से तो सारे ही लोग परेशान हैं कि दिल्ली सरकार जो झूठे वादे करके आई थी, आज उसमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं हो रही, चाहे वो मार्शल्स लगाने की बात हो या महिला सुरक्षा को बात हो। खाली किसी जगह बैठकर धरना प्रदर्शन करने या महिलाओं की मुद्दे उठा लेने से कुछ नहीं होता, ये काम सड़क पर उतर कर होते हैं। और हमारी जो है भाजपा इसके लिए निरंतर संघर्षरत है, और अगर किसी भी मुद्दे पर लड़ाई है तो जनता की लड़ाई हर जगह पर लड़ इसके लिए बन ही रहे हैं। हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि जहाँ पे महिला सुरक्षा जिस तरह से प्रोवाइड कराई जा सके वो कराई जा रही है। हमारे सांसदों के माध्यम से अलग अलग CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, स्कूलों में ये सुविधा दी जा रही है, और जहाँ महिला शौचालय बनाने की बात है तो शायद ये भी एक उनके आत्मसम्मान के लिए ही कदम है कि आधी से ज़्यादा दिल्ली में भी महिलाएं खुले में जा रही थी, कुछ ऐसी जगह भी हैं दिल्ली में भी, तो महिला शौचालय बनाना और इन चीज़ों, इन छोटे से छोटे मुद्दों को उठाना ही अपने आप में एक महिला के आत्मसम्मान की बढ़ाने की बात है। ठीक।